हेलो चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 4 का सेक्शन बी करेंगे, जिस जो कि है आंसर इन 1-2 सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड अमृता लिव। अमृता कहाँ रहती थी? अमृता लिव्ड इन खेजाड़ी विलेज नियर जोधपुर इन राजस्थान। तो जो अमृता है वो खेजाड़ी विलेज में रहती थी, जो कि जोधपुर के पास है, और जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। और चिल्ड्रन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि राजस्थान जो है इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज। ओके, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द पीपल ऑफ खेजाड़ी विलेज? खेजाड़ी विलेज के जो लोग थे उनकी क्या स्पेशलिटी थी? तो इसका आंसर है, पीपल ऑफ खेजाड़ी विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो जो खेजाड़ी विलेज के जो लोग थे वो लोग क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत केयर करते हैं। What are the people of Amrita's village called? जो अमृता के गांव के लोग हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो people of Amrita's community are called बिश्नोई। तो अमृता के गांव के जो लोग हैं उन्हें बिश्नोई कहा जाता है। Why was the village called खेजाड़ी? तो विलेज को खेजाड़ी क्यों कहा जाता है? अमृता के विलेज को खेजाड़ी नाम क्यों दिया गया? The village was called खेजाड़ी because most of खेजाड़ी trees are found there. वो विलेज को नाम खेजाड़ी इसलिए दिया गया क्योंकि वहाँ पे खेजाड़ी ट्रीज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। व्हाई डिड द किंग नीड द वुड? राजा को वुड की ज़रूरत क्यों थी? द किंग नीडेड द वुड टू बिल्ड अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ। राजा को वुड की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि राजा को क्या बनाना था, महल बनवाना था, और किसके लिए? खुद के लिए। तो राजा को खुद का महल बनवाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे हम अपना सेक्शन बी कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग गुड हैंडराइटिंग के साथ ये वर्क कंप्लीट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन लेंगे। ओके, थैंक यू।